और ये अब हम निकल गए हैं कैराना से, शिवा का पुश्तैनी घर है इधर। दुआ भी कह रही हाँ। दुबई से यहाँ में फ़र्क डेवलपमेंट का तो है ही, लेकिन एक ये भी फ़र्क है अपने यहाँ इंडिया में ग्रीनरी कुछ भी कही है, वहाँ बहुत उन्होंने आर्टिफिशियल बनाई है, बहुत सारी ग्रीनरी है और उसे मेंटेन भी बहुत करते हैं, ऑटोमेटिक पानी के पाइप और सारी चीज़ें लगी, लेकिन यहाँ जो ग्रीनरी है उसकी बात ही अलग है अपने यहाँ। हाँ ग्लैमर तो ये भी देखना था भाई, शादी वगैरह कुछ चल रही थी यहाँ पर। आप बोल रहे थे गैजेट्स लाने के लिए, फुल आइटम, हमें लगा था आप ला रहे हैं, हमें लगा था आप सरप्राइज देंगे। नहीं वो इसलिए नहीं ला पाए क्योंकि एक तो गैजेट्स में मैं कंफ्यूज बहुत हो गया था कि आखिर कौन सा टैब लेना है, कौन सा मोबाइल लेना है, लैपटॉप लेना है। ये तो कंफर्म है, सस्ता है, ऑफलाइन भी वहाँ सस्ता है। और आप बोल रहे थे कि आप तुम्हारे वाला अच्छा जो, हाँ आईफोन इस वक्त 13 प्रो मैक्स चल रहा है ना, 90,000 का है इनफैक्ट वो, और 1-2 हज़ार रुपये अगर हम बार्गेनिंग करें, वहाँ बार्गेनिंग बहुत है मार्केट में। तो हाँ बार्गेनिंग बहुत है, आप जैसे हम घुसे तो वो बोला पहले 4500 दिरहम, एक कदम पीछे वापस बढ़ाया 4400, और दो कदम 4350, और दो कदम बोला 4100, मतलब सीधे बार्गेनिंग जैसे दुकानों पे। हाँ हाँ जैसे दुकानों पे होती है। ये 12 प्रो मैक्स तो और सस्ता हो गया होगा, 90,000 का 13 प्रो मैक्स है तो 12 प्रो मैक्स तो मैंने पूछा नहीं, बट ये तो अब सेकंड मॉडल हो गया ना, तो ये तो और दाम गिर चुके होंगे इसके, बहुत सस्ता हो गया। और वहाँ 90% जनता के हाथ में आईफोन ही है, 90% जनता के हाथ में, क्योंकि वहाँ सस्ता ही इतना है, सस्ता ही इतना है। और रही बात गैजेट्स की, तो वैसे तो वहाँ ऑफलाइन खरीदने में भी फ़ायदा है, अब जैसे जैसे 1,40,000 का वो फ़ोन था जो दुबई में कितने का है, 90,000 का, विदाउट अभी बार्गेनिंग सही से करीब ही नहीं है, 1-2-4 हज़ार और गिरवा लेंगे, तो सस्ता तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर कोई वहाँ ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता है, जैसे मान लीजिए हफ्ते भर के गए, कोई भी कर सकता है, आप हफ्ते भर के लिए जाएं, आप किसी होटल में रुके हैं मान लीजिए, आप होटल का पता डाल दीजिए, हो जाएगा ऑनलाइन, तो ऑनलाइन और भी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, वो और भी आपके 10-20 हज़ार रुपये और बचवा देगा। तो वहाँ पे अमेजन ऐप तो चलती चलती है, अमेजन के अलावा एक नून ऐप भी है, नून NOON, नून दुबई या नून UAE करके आप टाइप कर देंगे तो वो आ जाएगी गूगल पे, नून ऐप पर भी बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइसेस हैं। तो फिर मैंने यही सोचा, आप सैफ भाई बोले मैं 7 तारीख को तो आ ही रहा हूँ इंडिया, हम लोग डिसाइड कर नहीं पा रहे हैं क्या लेना क्या नहीं लेना, तुम घर जाके डिसाइड कर लेना, वो मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम दुबई में एक दिन या मैक्सिमम 2 दिन में कोई भी चीज़ आ जाती है, क्योंकि वो सिटी है इतना बड़ा तो है नहीं, आराम से डिलीवरी होती है। कल आ रहा है ठीक है, नहीं वो गिम्बल कुछ खास नहीं निकला। तो अपने सभी जो व्यूअर्स हैं उन्हें ये भी बता दूँ, जो गिम्बल मैंने वीकूल का ख़रीदा था वो कुछ खास नहीं निकला, उसकी बैटरी तो मुश्किल से 15-20 मिनट में ख़त्म हो जाती, गर्म पड़ जाता है, तो उसकी जगह तो सिंपल सेल्फी स्टिक ले लीजिए, 3200-3300 रुपए का तो कुछ काम की चीज़ है, सेल्फी स्टिक सस्ते में आ जाएगी। हमने तो महंगा लिया, मतलब काफी महंगा, 3300 रुपए का, और ये सस्ता हो गया, हम देख रहे थे शायद 150 रुपीस पे कम भी हुआ है, वो कोई फायदा नहीं, रिटर्न नहीं होना, उसकी जगह सेल्फी स्टिक बढ़िया चीज़। चलो देखते हैं सर्च करो, हाँ वो तो हमने लिया भी बड़े शॉर्ट उस पे ना, तो रिटर्नेबल है ना, मतलब पैसा अकाउंट में आ जाएगा ना। मैंने Amazon अकाउंट में ही मंगाया, कुछ ना कुछ तो मंगाना रहता है, ऑर्डर वही चीज़ है, मतलब खतरा तो उन्हीं चीज़ों पे लेना चाहिए जो रिटर्नेबल हो, एक्सचेंज पे नहीं लेना चाहिए खतरा। अब देखो यही होता है रिप्लेसमेंट तो करते रहते, चिक चिक करते रहते, चीज़ तो वही आती ना फिर। अब मुझे पता चल गया उसकी बैटरी में दमदार नहीं है, ये जो अभी हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ है 290 या 300 किलोमीटर मान लीजिए यहाँ से, तो हमें 5-6 घंटे लग जाए, 6 घंटे लग जाते हैं, तो कल शाम 5 बजे का निकला हुआ हूँ दुबई में, 5 से 6, 6:30 हम लोग मॉल में रहे, थोड़ी चीज़ें ऑर्डर करी, उसके बाद ख़रीदारी करी, और आप फिर दुबई मॉल गए थे ना? ना 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 दुबई मॉल नहीं, एक दुबई मॉल गए थे, दुबई मॉल गए थे बीच में गए थे, उसका ब्लॉग भी मैंने बनाया, वो तो एशिया का सबसे बड़ा मॉल है, और उसमें एक्वेरियम है एशिया का सबसे बड़ा, और उसमें मतलब उसमें चिड़िया की तरह उड़ने वाली फिशेस हैं, वो ब्लॉग देखना। पर एक OLED टीवी है और वो शायद 50 या 100 मीटर का है, वो दुनिया का सबसे बड़ा टीवी है, हर चीज़ वहाँ दुनिया के सबसे, और वहाँ आइस स्केटिंग है शिवा। अच्छा आइस स्केटिंग करते ना अभी। 100 या 50 दिरहम था, सैफ तो कह रहे थे कि मैं वाइफ के साथ गया था, मैंने करी थी,
और फिर मैं लौट आया था, मैंने कहा हाँ क्योंकि पलट गए होगे, बोले हाँ पलट गया था। तो हम लोगों ने तो नहीं करी क्योंकि मुझे बहुत बेइज्जती का डर लग रहा था, छोटे छोटे बच्चे बहुत बढ़िया कर रहे थे। बच्चे तो इन सब चीजों में होते हैं बेटा। देखो मैंने इसकी तारीफ कर दी ना, ये अच्छे से बैठी है और ये हो गई शैतानी इसकी। आपको तो पहचान लिया आज गोलू ने अच्छे से ना। हाँ से सोते से उठी और मुस्कुराने लगी और तब से चिपकी हुई है मेरे पास ये। तो ये तो बहुत छोटे से आपको पहचानती है, बहुत छोटी थी तब से आपको पहचान लेती है। भूल गई होगी मुझे 6-7 दिन में, मतलब ऐसे नहीं याद किया, मतलब आप वीडियो कॉल पे से बात कर रहे थे सरप्राइज हो जाती तब ये कितना शर्माती थी और कितना शॉक हो जाती थी, उसको कुछ समझ ही नहीं आता था क्या करूं। और अभी गाड़ी का दरवाजा खोलने के चक्कर में लग रही है जो कांड कर दी। अरे भाई रहने दे, सारी गाड़ियाँ देखी, लैम्बोर्गिनी, डॉज, वहाँ 90% तो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ ही हैं, हुंडई तो मुश्किल से 2-4% है। और ट्रैफिक फाइन्स पता है कितना था जुमेरा इलाके में, अगर ट्रैफिक लाइट क्रॉस कर दी 30,000 दिरहम, मतलब 22 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दो लगभग 6.5 लाख रुपए रेड लाइट क्रॉस होने पर, जरा सा पार कर गए तो। एरिया टू एरिया है क्योंकि जुमेरा मोस्ट पॉश एरिया, वहां तो सारे अरबपति लोग ही रहते हैं भाई। हम तो पैदल घूम रहे थे 11 नंबर। मैंने सैफ भाई से कहा भाई कोई करता नहीं, वो बोले अरे कर जाते हैं बहुत, कई बार कर जाते हैं और दे भी देते हैं फाइन खुशी खुशी। लेकिन हाँ ये है ट्रैफिक रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है, ऐसे कॉमनली कोई ट्रैफिक रूल कोई तोड़ता हुआ दिख ही नहीं सकता मतलब। और हाँ सबसे बड़ी बात जो पेडेस्ट्रियन है ना उसकी इतनी इज्जत, तो मैंने कभी हिंदुस्तान में तो मैं रो ही पड़ूँ अगर इतनी इज्जत कोई दे दे पैदल यात्री को। भाई अगर वो कार है ना दूर और वहाँ किसी ने पैर भी रख दिया क्रॉस करने के लिए, कार यहाँ से ब्रेक लेना शुरू कर देगी और कम से कम 10 मीटर दूर रुक जाते हैं, 5-10 मीटर दूर कारें रुक जाती हैं। और सबसे बड़ी बात तो ज़ेबरा क्रॉसिंग पे क्रॉस ही तभी करो जब वो ग्रीन लाइट हो जाती है चलने की, तभी क्रॉस करते हैं। लेकिन वैसे भी अगर किसी जगह ग्रीन लाइट नहीं है और वैसे करा, लेकिन हाँ ये नहीं कि डिवाइडर के बीच में से कूद जाओ, ना भाई ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाएगा। बहुत बढ़िया मतलब एकदम डिसिप्लिन में चलता है पूरा सिटी। है पी होगी चुप बिल्कुल, बहस नहीं करो, बहस नहीं करो बेटा, बहस नहीं करते। सैफ भाई के जो रूममेट हैं अंकल, वापसी में हम लोगों को थोड़ा ये लगा अब हम मेट्रो पकड़ेंगे, बस पकड़ेंगे पहले, बस से फिर मेट्रो जाएंगे, सामान भारी हो रहा था। अंकल ने बहुत ही कहा कि मैं चल रहा हूँ छोड़ने, उनके पास 4-व्हीलर है। तो फाइनली सैफ, मैं तो हाँ बिल्कुल नहीं कर रहा था, सैफ भाई ने कहा अच्छा चलो ठीक है आप चलो। हैदराबाद से हैं, अच्छा इंडिया से ही है। हाँ अब्दुल करके कुछ नाम था और 25 साल से वो दुबई में, बोले मैं अनमैरिड आया था दुबई, शादी भी यहीं हुए, बच्चे भी यहीं हुए। शादी उन्होंने इंडियन से ही करी? हाँ हैदराबाद से, बच्चे भी यहीं हुए और बच्चों की पढ़ाई भी वहीं हुई इंटर तक। लड़कियाँ, 2 लड़कियाँ हैं बड़ी और 1 लड़का छोटा। अच्छा, अभी अभी फैमिली शिफ्ट हुई है वापस, अबू धाबी में थे वो, अभी अभी फैमिली शिफ्ट हुई है, फिर 6 महीने वहाँ रहे, उनका मन नहीं लगा तो वापस दुबई पहुँच गए अकेले। बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, हायर एजुकेशन ले रहे हैं। तो अभी हम रुके हैं रास्ते में हल्दीराम पे और थोड़ी सी चाय वगैरह, 10-15 मिनट गुजारने के बाद चलेंगे घर की ओर।
तब तक गोलू का एंजॉयमेंट चल रहा है ऑन द टेबल। गोलू खड़े हो, बहुत पब्लिक आई हुई है। हल्दीराम तो फुल था, वहाँ से तो वापस ही आना पड़ गया, बस एक चाय खाली है। तो बाहर कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो रही थी तो हम लोग यहाँ रुके, गाड़ी के अंदर आ गए। और किसी को चाय बहुत पसंद है और किसी को चाय बहुत सख्त ना पसंद है, तो ये एक ईस्ट और वेस्ट मिलन हुआ है। तो मैडम को चाय बहुत पसंद है और मैं चाय बिल्कुल नहीं पीता हूँ। और पता नहीं ये बिटिया को पसंद आएगी कि नहीं आएगी। पी लेती है, एक बार ट्राई करा। हम पहले हल्दीराम गए थे, हमें अपना दुखद जो है वो भी बताना चाहिए, दुखद घटना जरूर बतानी चाहिए, घटना बतानी चाहिए। हमने पैकेट भी खरीद लिए, पैकेट इनफैक्ट पसंद कर लिए। कितने ले लिए थे? चार, क्योंकि आपने बोला था कम लो। हाँ, हल्दीराम की कुछ, वो उसका नाम क्या है, कुछ स्नैकर्स करके आते हैं ना, तो वो स्नैक लाइट, तो वो गोलू को बहुत पसंद है, तो वो चार शिवा ने उठा लिए थे। फिर क्या हुआ, दही बड़ा भी ले लिया, एक दही बड़ा भी ले लिया था, पैकेट दो पैकेट दही बड़ा के भी ले लिए थे। हमें लगा था तो बहुत इजी हो गया, बहुत आसान है, लगा लो टाइप। हाँ, और लेकिन जैसे ही अंदर एंटर करे तो पूरा फुल, इतनी भीड़ थी, मतलब वहाँ में आधा घंटे से ज्यादा लग जाना था बिलिंग में। और वहाँ बिलिंग पे खड़े तो लोग पसंद कर रहे हैं, बिलिंग पे खड़े होके सोच रहे हैं उसकी राजमा चावल ले ली, उसकी थाली ले ली, और लाइन लगी हुई है। इस वक्त पीक टाइम चल रहा है भाई, पब्लिक के पास ज्यादा ऑप्शंस बहुत ज्यादा तो होते नहीं है, तो पब्लिक हल्दीराम पर ही आ गई। तो हमने सामान छोड़ा, दुखद घटना ये रही, और फिर आ गए हम वापस, आके बैठ गए, जो हमें चाय पीनी थी, वॉशरूम यूज करना था वॉशरूम यूज करा, काम भी हो गया। और हाँ, मेन काम वॉशरूम यूज करा, चाय खरीदी और वापस आके लौट के बुद्धू गाड़ी में आए। और इस वक्त एक बहुत ही माइनर ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, ये देखिए आप, पूरी पावर लगा रखी है, इतनी तेज गाड़ी चल रही है, इतनी तेज गाड़ी चल रही है, पैरों से भी चल रही है। हाँ, तो उसे पैरों, उसके बाद हम अपने घर जाएंगे, हमारा घर 10 दिनों से घर बंद है, मतलब घर नहीं बंद है, हमारा रूम बंद है। हाँ, घर में तो आंटी आ रही थी लगातार। और ये जो मैं लौटा हूँ, ये पीछे आप सामान देख सकते हैं, सूटकेस एक मेरा, एक शिवा का, बिल्कुल इज्जत से रखे गए, पैर ऊपर व्हील्स ऊपर सर नीचे है, वॉशरूम बड़ा गंदा सा, पर पब्लिक भी तो बहुत आई है। पब्लिक तो आई है, लेकिन पब्लिक एक बात बताइए, मोगड़ हवा में नहीं आती पब्लिक, मोगड़ हवा से ज्यादा आ रही है यहाँ पे पब्लिक। सही बात है, उनका तो इतना साफ रहता है, ऐसा लगता है अपने घर का वॉशरूम यूज कर रहे हैं, दो तीन बंदे खड़े ही रहते हैं हमेशा। और यहाँ पे तो ऐसे गंदा हो रहा था, गंदा मतलब मोगड़ हवा का तो वॉशरूम, अरे पूरे रोड का सबसे बहुत बेस्ट है वो, अब तक मैंने इतना साफ वॉशरूम कभी कहीं नहीं देखा। हाँ, पब्लिक टॉयलेट तो भूल ही जाइए, इतना साफ कभी नहीं होता, मैकडी केएफसी ये वो कभी कहीं साफ नहीं मिलेगा इतना। आओ प्यार मोहब्बत घर जाके करना, बहुत दिनों बाद पापा मिले, फादर्स डे है ना आज, फादर्स डे, हाँ आज फादर्स डे है, सभी व्यूअर्स को फादर्स डे की मुबारकबाद, हैप्पी फादर्स डे, अपने बच्चों को खुश रखें।